नमस्कार, आइए मिलकर आज हम आपको एक गाथा सुनाएंगे। सच में आप लोग खुश हो जाएंगे, जिंदगी की तमन्ना भी पूरा हो जाएगा। क्यों इस सब में बोल, उद्देश्य मेरा शहर से काम तक जाना। शहर में तो हम लोग आए दिन रहते हैं, परंतु गांव में तो जन्म लिया, जिस माँ के गोद से हम जन्म लिया, वो आओ ना मिलकर वो गांव को स्वागत करें। गांव का सभी लोग को एक बार मान सम्मान देके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। मैं वही शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे शहर केवल सिर्फ पैसा ही पैसा देता है इंसान को। आइए ना, मैं वो देश की बात कर रहा हूँ, वो देश उत्तर से दक्षिण जिसकी 3214 किलोमीटर लंबी है। मैं वो देश की बात कर रहा हूँ जिसकी उत्तर से दक्षिण का अलावा पूर्व और पश्चिम की चौड़ाई 3933 किलोमीटर। सच में वो भूखंड क्या हो सकता है, बताओ देश का नाम। आप ही सोचिए, सिर्फ मैं तो बोल रहा हूँ और इस माध्यम से आपको रूबरू करा रहा हूँ। जिस भूखंड सारा विश्व दरबार में क्षेत्रफल के हिसाब से 7th पोजीशन में है, 7वां जगह ग्रहण कर चुका है, उस भूखंड जिसकी 2.4% जिसकी सरफेस सारा विश्व दरबार में दाखिल कर चुका है। मैं वो देश का बात कर रहा हूँ जिस देश में सच में 6,40,930 गांव हैं और वो एक गांव का अंदर में एक मेरा भी गांव होता है, एक आपका भी गांव होता है, हाँ ना। कोई 6,40,930 गांव के बीचाबीच की बात आज कर रहा है। चलो ना, शहर तो गिन लोगे लेकिन 6,40,930 गांव, वो भूखंड क्या है? वो भूखंड हमारा देश महान, भारत मेरा महान, हिंदुस्तान मेरा महान। आइए ना मिलके वो गांव का बारे में बात करते हैं, जिस गांव में हम 60-70% जनसंख्या बसवास करते हैं। भारत मेरा भारत, आपका भारत, हमारा भारत एक गांव का देश है। सच में 6,40,930 गांव को लेके जो देश बनी है उसका नाम भारत। वो गांव का बारे में मैं बात करूँगा। आओ ना एक बार शहर से गांव करो मुड़ जाए। सच में जो गांव हमको पन्ना दिया, जो जल दिया, वो आबहुआ का झोंका से हमने बचपना गुजार दिया। सच में गांव का जीवन शहर के जीवन से काफी अंतर है। यहाँ शहर की जो आबहुआ जीना सचमुच जितनी आनंददायक नहीं है, उससे तो कहीं गुना आनंददायक गांव का परिवेश में है। गांव में भारतीय संस्कृति की दर्शन होती है और शहर को देता है संस्कार और सभ्यता का परिचय। मैं वो गांव का बात कर रहा हूँ। चलिए ना गांव का बारे में क्यों मैं महान गाथा कर रहा हूँ। गांव का आज भी वही सुबह का सूरज उदय होने से पहले कावा कोयल की हवा, कावा कोयल की आवाज़ के साथ साथ शुद्ध जलवायु की
प्रदूषणहीन हवा की जो खिलखिलाते हुए खुला बदन की चेहरा, सुबह का कावा कोयल की आवाज के साथ साथ सुबह की आरती की पुकार, मस्जिद की अजान और चर्च की सुगंध मंत्र और मंदिर की सुबह का मंत्र उच्चारण, श्री गणेशाय नमः का, श्री जगन्नाथ स्वामी की नमः का जो मंत्र ध्वनि से जो प्रज्वलित होता है, वही गांव के बारे में मैं बताता हूँ। मेरा गांव वहाँ आइए ना, यहाँ का लोग में अपनापन है, सामाजिक घनिष्ठता निविड़ता उससे कहीं अधिक महत्व रखता है। यहाँ खुले धूप और हवा का आनंद उठा जा सकता है, लेकिन शहर में सब कहाँ मिलेगा। यहाँ बहती हुई नदियाँ, खिलते हुए चिड़िया की तालाब और मुझ कावा कोयल की आवाज के झूम के साथ साथ हमारा पशु पक्षियों की आवाज, जैसे घर की परिवेश के साथ सम्मिलित हुए पशु पक्षी, उनकी आवाज, उनकी सुमधुरता, कोयल की आवाज, सच में एक लगता है कि जैसे हम एक बंधन में सब बांधे हुए हैं। वो आनंद की जो मजा सुबह की कहाँ शहर में मिलेगा, बोलिए। काका काकी बैठे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, कोई आंख मल रहा है, नींद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। काका काकी थोड़ा तमाकू लेके बैठे हैं और तमाकू का मजा लेते लेते काकी को बोल रहे हैं, अरे बनाओ ना चाय, बनाओ ना। वो गांव का जो मजा, वो जो आनंद, सचमुच एक देखने की इच्छा तो सबको करता है। आई वही संस्कार और संस्कृति सभ्यता जो गांव हमको दिया है जन्म के साथ साथ, उसी गांव का बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारा गांव भारत की एक कृषि व्यवस्था का आधार बनता है और आधार भी है। यहाँ कृषक निवास करता है, यहाँ के कृषक अपना पसीना बहकर फसल उगाता है और वही फसल शहर तक पहुँचता है, मंडी में हम खरीद करते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा जाता है कि किसी गांव से आया है, लेकिन गांव का लोग मेहनत करके शहर तक पहुँचाता है, ताकि कि हमारा शहरी बाबू लोग या शहरी में हमारा भाई लोग, बंधु लोग, माता लोग, बहने लोग सुख में रहे, शांति में रहें और अमल करें हमारा सुव्यवस्था का, कृषि की व्यवस्था को। गांव का चारों ओर खेतों फैले रहता है, खेतों में अनाज एवं सब्जियां एकड़ एकड़ तक, दूर दूर तक, माइल माइल तक फैले रहता है। अनेक प्रकार सब्जियां, एक कोई सब्जियां का अनगिनत सब्जियां हमारा गांव देती है। हमारा गांव तालाब और नहर से भरे होती है, इनमें संग्रहित जल किसान फसल सिंचाई में लगा देता है, पीने में लगाता है, पशु पक्षियों की जलपान के लिए व्यवस्था में उपयोग करता है। गांव के खलिहान होती है, यहाँ पक्की फसल को तैयार करके अनाज बना जाता है। सच में क्या वो गांव है? माँ बचपन से जन्म देने के बाद खिलाती है और बचपन से लेकर बुढ़ापा हमको तो कोई गांव खिलाता है, तो गांव हमारा माँ से भी बढ़कर होता है। आइए ना, वो माँ को एक बार पुनः प्रणाम करें और कोटि कोटि नमन करें। ना गांव होता ना हम होते, ना हम होते ना शहर होता, कौन शहर में जीता है? हामी लोग तो, हमारा भाई तो।
हमारा बंधु तो, हमारा कुटुंब तो है तो अपना कोई कोई भाईचारा है। जब सब्जी जाता है गांव का मंडी से शहर का मंडी को, कोई जाति के लिए जाता है, कोई धर्म के लिए जाता है, कोई 28 राज्य के को जाता है, ना कोई 8 केंद्र शासित अंचल को जाता है, ना कोई वर्ग विशेष को जाता है क्या, ना कोई धनी अमीर के लिए जाता है, या कोई गरीब को, या कोई ब्राह्मण पंडित को जाता है, ना कोई अनुसूचित जाति जनजाति को जाता है, ना कोई कास्ट को जाता है। सच में वो गांव महान है, मेरे गांव महान है, मेरे हिंदुस्तान महान है, जिसी धरित्री के ऊपर ये 640,930 गांव सुशोभित है। बदल जाता है वेशभूषा, बोली हवा का झोंका, खान पान का चाल, सच में वो आनंद हर कोस में, हर माइल में हमारा बोली बदल जाता है। लेकिन एक गांव बिछाड़ने से दूसरा गांव मिल जाता है। आओ ना भाई मिलके एक बार शहर से गांव चले, जिसे गांव हमको बहुत कुछ दे चुका है, माँ का तरह अनाज दे रहा है, काका का की प्यार को दे रहा है, और वो गांव का आंगनवाड़ी, नल का कुआं का पानी, केला पता का सुमधुर सुसंगीत खाना, उपिंजन करते समय गांव का यादों आ जाता है, लगता है कि अपना कम है, लगता है गांव सदियों के लिए मेरा ही, परंतु क्या परंतु, परंतु फिर क्या है, मौलिक की सुविधा का अभाव। कौन बोला आप लोग को मौलिक असुविधा है, मौलिक सुविधा नहीं है? हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी कितनी जन कल्याण और जगत कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज उत्थान, ऊर्जा उत्थान, ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी समाज कल्याण, महिला समाज, महिला समिति, आंगनबाड़ी, आशा कर्मी, सच में वो आदर्श प्रधानमंत्री जो गांव के लिए उत्सर्गित करते आ रहे हैं, और आज वो मौलिक सुविधा गांव में से दिखाई पड़ा है। मुद्रा योजना का अंतर्गत जुबा जुबा की भाई बहनें कदम को कदम आगे रखकर चल पड़े हैं। सच में वो प्रधान सेवक जो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम उनको नमन करने का समय नहीं आया? आओ ना, 640,930 गांव, 140 करोड़ का आबादी, जहाँ कोई ना जात लिखा है ना कोई पात लिखा है, एक छात के नीचे तिरंगा के नीचे 140 करोड़ लोग, जिसकी हित के लिए जो महान सेवक आदर्श प्रधानमंत्री हमारा जन कल्याण जगत कल्याण उत्थान के लिए सोच रहा है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं होता है? आओ मिलके वो आदर्श व्यक्ति को कोटि कोटि नमन करें। वो व्यक्ति जो समाज के लिए करता है, जो हमारा मुखिया, और मुखिया जो हमारा लिए सोचता है, हम आज दिल और दिमागों से उनको वंदे मातरम के साथ वो महान व्यक्ति को हम सलाम करते हैं, चाहे वो पद पदवी में कोई भी रखते हो,
लेकिन सोचता है तो हमारा गांव के लिए ना, हम उनको नमन करते हुए हम आप लोग को आग्रह करना चाहते हैं, चलो ना मिलके थोड़ा गांव चले। गांव का खेती का अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी जैसी व्यवसाय के केंद्र नहीं था, उससे कहीं बना हम आज आगे बढ़ चुके हैं। पशुपालन से किसानों को अतिरिक्त आमदनी जरूरी होता है, परंतु कृषि कभी कभी दुख जब झेलता है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, कभी अनावृष्टि तो कभी तूफान या कभी बन्ना तो फिर कभी महामारी। परंतु फिर परंतु क्या है ना, परंतु हमारा मुखिया है ना, फसल बीमा से लेकर स्वास्थ्य बीमा से लेकर अनावृष्टि तक हमारा मुखिया सोच रखा है, योजना उत्सर्गित हो चुका है, आओ ना अमल करें, चिंता किस बात की। मैं तो गांव का छोरा हूं, मैं तो गांव का लड़का हूं, मैं ना सही आप सही, मेरा उन्नति ना हो लेकिन मेरा गांव का उन्नति हो, आपका उन्नति हो, उसमें तो मेरा खुशी। रिक्शा वाला का बेटा पापा रिक्शा चला के मुझे ज्ञान दिया और वो ज्ञान मैं गांव के लिए उत्सर्गित करता हूँ। मैं गांव को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, शहर को गांव तक लाना चाहता हूँ। देखिए ना मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, गांव के क्रशर खोला नहीं है, कितनी दूर दूर तक जाते थे घर बनाने के लिए, सरिया लाने के लिए, बोलो बोलो बोलो, हाँ ना, गांव का आखिरी मुंडी में सीमा रेखा में हमारा क्रशर खुल चुका है, सरिया गांव का लोग एक खटा करके बेचने लगे हैं, शहर को जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ शहर जाओगे दो पैसा खर्चा करोगे, शरीर बिगड़ेगा, लेकिन उतना ही पैसा में आपको सारी सुविधाएं हैं, मौलिक सुविधा से अधिक सुविधा गांव में आ चुका है। ठीक बोल रहा हूँ ना, गांव में हॉस्पिटल खुल चुका है, हमारा पंचायत भवन खुल चुका है, हमारा संस्था जनकल्याण संस्था खुल चुकी है। पता है आपको, पता है पशुओं की गोबर मुर्गी पालन से जो मल मूत्र निकल रहा है उसको गोबर को खेतों में और मुर्गी को मल मूत्र को लेके हम खेतों का अलावा मछली पालन में लगा चुके हैं। वाह वाह मेरी गांव, नाच है मेरा गांव में, हो तो गांव 640,930 गांव जैसे बने, मिजोरम से लेकर मणिपुर, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी या फिर मेरी गांव चंदनपुर क्यों ना हो, है तो मेरी गाना। आइए पशु दूध देता है, शुद्ध दूध हम पीते हैं, लेकिन शुद्ध दूध की कहां मोहताज होता है शहर में, कभी सोचे हो, जरा सोचो, सुबह उठते ही दंत मंजन करते करते हम लोग गाय बैल को भैंस को भी चारा देते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, और हमारा पशु क्यों, पशु के बारे में सोचो जरा, जब साथी हो के हम खेतों निकलते हैं, कभी हम आगे आगे
हमारा पशु पीछे पीछे, क्या कभी हमारा पशु आगे आगे हम उनके पीछे पीछे। जब हमारा गांव खेतों में पहुंच जाते हैं गांव की, ना मुझे बताने क्यों पड़ता है पशु को, बैल को या भैंस को, ना मेरा पाला हुआ हमारा डॉगी को, सब हमारा खेतों में पहुंच जाता है। जैसे कि हमारा परिवार को पता है हमारा सीमा रेखा कहाँ है और एकजुट हो जाते हैं। और जब हल जोतते हैं ऐसे सगा भाई भी नहीं करेगा, लेकिन पशु कंधा मिलाकर हमको हल में मदद करता है। और हमारा जो डॉगी कुत्ता जो है ना, हमारा साथ साथ चलते रहता है। काहे मेरा मालिक की, मेरा पशु को तो कुछ नहीं हो जा रहा है, मेरा साथी को। आइए ना, यही है भाईचारा, ये सिखाता है गांव। ये शहर में नहीं होता है, गांव में अगर कुछ हो जाता है, पंच बैठ जाता है, पंचायत बैठ जाते हैं, सुलझा देते हैं, कोर्ट कचहरी थाना तक कोई मजारा नहीं जाता है। परंतु क्या शहर में सफाई नहीं है, लोग चक्कर काटते रहते हैं कोर्ट कचहरी की, बट कोर्ट कचहरी तक कुछ भी मजारा नहीं जाता है। और मजारा जाने के लिए इन लोग कोशिश भी नहीं करते हैं, प्रयास भी नहीं करते हैं। आओ ना मेरी गांव बहन, है ना मेरा गांव मान, गलत तो नहीं बोला, आओ ना वो मिलके थोड़ा गांव चले। कुछ पशु कभी सोचे हो हमारा माल ढुलाई करते एक स्थान से दूसरा स्थान, खेतों से लेकर घर तक, घर से लेकर मंडी तक, मंडी से लेकर शहर तक, कौन करता है, माल ढोता है, हमारा बैल, हमारा भैंस, हमारा खच्चर, हमारा ऊंट, चाहे वो राजस्थान हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, पहाड़ दुर्गम जहां सड़क नहीं हुई है, जहां सड़क नहीं हुई है, आज भी हमारा ओट उसको लेके चलता है। सच में वो पहाड़ का गांव है, ये समतल का गांव है, तो गांव में गांव का जीवन की कितनी शांतिदायक होता है, मैं वो बताने के लिए बेकरार हूं। गांव केवल शांतिदायक नहीं होता है, एक आनंददायक। सच में क्या कहूं मैं, गांव का लोग परम निरंतर जीवन भाग दौड़ में मजे में डूबे रहता है। शहरी लोग केवल रोजगार के लिए काम चला जाते हैं, पता ये कि कोई समय सीमा नहीं होता है। कभी पता है गांव का समय कैसे पता चलता है, वहां का ना घड़ी होता है ना समय का कोई सारणी होता है। लोग देखते हैं कि सूरज कहाँ तक गया, उगते हुए कहीं सिर तक तो नहीं आया, सिर तक आ गया इसका अर्थ मध्यान्ह हो गया है। उस बीच में फिर क्या होता है बताओ, अजान होता है। इस्लाम भाई लोग का पांच बार अजान से खेतों को सुनाई देता है, और सुबह का जो घंटी आवाज, यह हमको प्रातकालीन का झुमका और सुगम की आनंद देता है। लोग यहाँ का बहुत सुबह उठ जाते हैं और जल्दी रात को सो जाते हैं, दिन भर की थकान रात को जल्दी सो के फिर सुबह निकल पड़ना है। भागदौड़ जिंदगी यहाँ का वायु महानगरी वायु से कहीं अंतर रहता है, शहर की अधिकतम प्रदूषण होता है, बट गांव में कभी नहीं। यहाँ बाग बगीचा केवल होते नहीं है, हरियाली में भरे रहते हैं। गांव को जाओगे कहीं फूल मिल जाएगा पूजा करने के लिए, लेकिन शहर में आपको पैसा देके चाहे गेंदा फूल लो या फिर
गुलाबी वो गुलदस्ता लो। अगर मेरे बगीचा में आज फूल नहीं है, काका काकी का बाड़ी में है, कोई एक शब्द आपको नहीं बोलेगा और ऊपर से बोलेगा लो ना पूजा के लिए तो लेगा, बट शहर में ये कहाँ मिलेगा। गांव में कुछ हो जाता है, कोई जात पात नहीं लेकिन मर पड़ते हैं मदद करने के लिए। एक घर में आग लगेगा तो हजारों बाल्टियां दिखाई देगा, बट शहर में एक दमकल को फोन करके वो दमकल आने तक तमाशा देखते रहते हैं, नहीं तो वीडियो में लगे रहते हैं, कैमरा में कैद करने के वो दृश्य को लोग यूट्यूब में डालने के लिए भी करार रहते हैं। लेकिन गांव में समाधान देते हैं, शहर का भी समाधान नहीं देते हैं, समाधान को उलझा देते हैं। अगल बगल में शहर में कुछ हो जाता है किसी को पता तक ही नहीं चलता है, जब तक कोई दुर्गंध ना आए। है ना मेरे गांव वाले, आओ ना मिलके वो गांव को पुनः सलाम करें। मेरी गांव महान, आपकी गांव महान, हमारा गांव महान, आओ ना एक दिन चलें। शहर की तो बहुत पैसा कमा लिए हम लोग, गांव तरफ चले। काका काकी इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरे छोरा आएगा, मेरे लिए बहुत कुछ लेके आएगा। वो काका काकी को नमन करेंगे, उसका दुख सुख में भागी होंगे, आशीर्वाद भी लेंगे और काका काकी के साथ एक पल एक रात गुजार के खाना खाएंगे। वो गांव का त्योहार के बारे में जरा सा सोचो, वाह, गांव का उत्सव मेला जब लगता है ना, लगता है कि जैसे यहाँ पे एक ही गांव का सब मिलके एक उत्सव मना रहा है। हाँ ना, जिला विकास सुगंध, पिठा का खुशबू, चना का मसाला, कुल्हड़ी का चाय, वाह, जहाँ होली, जिसे घर घर में बैसाखी, जिसे गांव में ओणम, जिसे गांव में दिवाली, जिसे गांव में पोंगल, जिसे गांव में हरियाली, जिसे गांव में ईद, इस गांव में जीशु जी की क्रिसमस, जिसे में गुड फ्राइडे, जिसे में दशहरा, कौन कहता है। हमारा गांव कम है, आओ ना जरा देखो देखो देखो। दिवाली में मनाता हूँ ना, किसी जात धर्म ना हो के हर घर में दिया जलता है। हाँ ना, हाँ ना, दशहरा जब होता है इस्लाम भाई कैसे मेरे साथ गाले मिलता है। यही तो है हमारा भाईचारा, कौन कहता है। गांव में कमी है, गांव हमको संस्कार और संस्कृति सभ्यता में एक मंत्र में बांध दिया है। एक साथ हम नृत्य करता है, एक धुन में नृत्य करता है। आओ ना गांव का लोग से पैर के साथ पैर छंद डाल के हम वो नृत्य करें, गाने मिले, वो परंपरा त्योहार को सलाम करें। यही तो है ना मकसद भाईचारा की, यही है त्योहार की। जहाँ जिस देश में जिस गांव में राम की पूजा होता है, उस देश में उस गांव में रमजान बन जाती है। हाँ बोला ना मैंने, जिस गांव में जिस शहर में जिस देश में जिस भूखंड में अन्नी हुआ करता है वहां पे दिवाली बनता है ना, बनता है ना, फिर किसी बात की। ये देश मेरा महान, इस भूखंड मेरा महान, हमारा लोग बड़े महान। मैं कब बोला शहर का लोग नहीं महान, हमसे भी बढ़कर महान, परंतु ओ महंता
थोड़ा तो निखरना चाहिए गांव में। आओ ना भाई, आओ ना भाभी, आओ ना अम्मी, आओ ना बहन, जरा सा थोड़ा छुट्टी लेके गांव तक चल पड़े। चलो हम गांव का लोग एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा का एक दूसरे के लिए पूरा साथ देते हैं, चाहे वो हमारा हो चाहे ऊपर आया हो, लेकिन है गांव। जब हम तालुक में पहुंचते हैं, अजनबी शहरी पूछता है कहाँ का है, हम नहीं बोलता है मोहल्ला, हम बोलता है गांव का है। गांव हमको क्या देता है, सर हमको क्या देता है, सर हमको पैसा देता है, गांव हमको पेट में दाना देता है, शहर को अनाज देता है, गांव हमको शांति देता है, संप्रदाय देता है, संस्कार देता है, संस्कृति देता है, सभ्यता देता है। मैंने ये नहीं बोला हमको शहर नहीं देता है, लेकिन शहर में सिर्फ अंतराल दिखाई देता है। मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा शहर खराब है, लेकिन भागदौड़ जिंदगी, कोई किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास नहीं है, सब अपनी ख्वाहिशों में, अपनी दुनिया में, अपना स्वार्थ में, अपना परिवार के लिए लगा है। बट गाँव सारा विश्व के लिए, जगत के लिए, जनकल्याण के लिए, अनाज से लेकर खाने तक, सब्जी से लेकर दूध तक, और बच्चों से लेकर बूढ़ा तक, और हमारा मुष्टियुद्ध से युवा से लेकर बिलियन पति तक, या फिर चाहे वो खेल का हो, या स्वास्थ्य की हो, या पहलवान की हो, देता है मेरा गांव। बताओ जरा मुझे, अच्छा लगा ना मेरा ये बात? आपको से मैं कभी विवाद नहीं रखूंगा, आओ ना मिलके, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, एक दूसरे से सामंजस्य रखेंगे। गांव के तरफ पे जरूर एक बार प्रयास करेंगे घूमने के लिए, जिसे गांव हमको जन्म दिया था। भारत के गांव में भी अब शहर की काही सुविधा नजर आने लगा है, आते रहेगा, वहां बिजली, दूरभाषा यंत्र, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पानी, नल जैसे, स्वास्थ्य जैसे सारी मूल सुविधा दिया है और मिल भी चुका है। वहां के किसान आधुनिक की ओर अग्रसर हो चुके हैं, सच बोल रहा हूं। आज घर घर में ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, खेतों किसान फसल अमन करने के लिए धान का मशीन है, पानी की सिंचाई की व्यवस्था हो गया। कौन बोला, अभी अभी देखो ना, प्रधानमंत्री पीएम कुसुम योजना में सोलर पंप और जिसी अध्ययन में मेरे को एक रिक्शा वाला बेटा को डॉक्टरेट मिल गया। कौन बोला गांव का छोरा डॉक्टरेट नहीं हो सकता, मैं तो एक जीते जगता उदाहरण हूँ। सही बोला ना, मैं गांव के लिए उछल किया हूँ, मेरे संदर्भ को, गवेषणा को सकारात्मक के लिए, आपके लिए, आपके खेतों के लिए, खेतों खेतों तक बिजली होना, ये मेरा प्रयास जारी था। अन्नव्रत विषय में मुझे गवेषणा के रूप में झारखंड राय यूनिवर्सिटी मुझे सम्मानित कर चुका है। गांव में खान पान का जटिलता कभी नहीं है, ग्रामवासी सादा भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, लेकिन शहर में तो बुरा नहीं मानना भाई, मिलावट जरूर है, इसको आपको कितना रोकना है तो थोड़ा आप ही सोचिए, जरा सोचिए। अब आज सोचते हो कि गांव का सब्जियां चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा सब्जियां चाहिए,
लेकिन ये शहर का सब्जी इंजेक्शन दिया जाता है, दो दिन में फल जाता है, बड़ा दिखाई देता है, दिखने वाला अच्छा नहीं होता है और वो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा भी नहीं दे पा, एक हानिकारक भी है। आइए इतना तो नहीं, शहर में आपको नल दिखाई देगा, हैंडपंप नहीं दिखाई देगा, लेकिन गांव में कुओं के साथ था हैंडपंप दिखाई देगा, चूहा दिखाई देगा, तालाब दिखाई देगा, जिस तालाब में मछली खिलखिलाते हुए कुछ आपको कहने के लिए जैसे उमड़ पड़ रहा है, झपट रहा है, लेकिन शहर का नदी की समुद्री जैसे डॉल्फिन वो उतार चढ़ाव को खेल खेलता नहीं है, वो हमारा पाला हुआ मछली कुछ कहने के लिए हमको दिखाता है कि देखो ना मैं भी तुम्हारा जैसे नाचने लगा हूँ, निखरने लगा हूँ। वो तालाब में हमारा बतख, हमारा हंस, वो भी खिलखिलाते रहता है, वाह क्या सुंदर। हमारा बगल में केला की पेड़ और बकरा खड़ा है और वहाँ पे माया हमारा भाभी हमारा दूध निकल रहे गए, ये जीवन, ये जीवन हमारा गांव तेजी से और उत्थान कर रहा है, विकसित कर रहा है, उन्नति कर रहा है, ग्रामवासियों गांव का रोजगार उपलब्ध करने का रास्ता भी सीख चुके हैं। ग्रामवासी ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा लेने के बाद नया युवा युवती शहर को गांव तरफ लाने के प्रयास में जुट गए हैं। वाह, सब कोई बोलता है मैं गांव शहर को गांव बनाऊंगा और गांव को शहर आएगा, सच में आदर्श गांव को शहर आने लगा है, विकसित होने लगा है, आपके चलते हुए, आपके बच्चों के उच्च शिक्षा के चलते हुए आज गांव को हर घर तिरंगा से जोड़ा गया है। मैं बोला ना ठीक, प्रिय प्रधानमंत्री जी नारा दिए थे जन भागीदारी जन साझेदारी, अरे लेडीज एंड, ये सही दिशा है, ये सही दिशा है, ये सही कदम है। देश आज गांव की बदौलत से विकसित केवल नहीं हो रहा है, देश हमारा दौड़ पड़ा है विकास के ओर में, अग्रगति में काफी कदम आगे बढ़ चुका है, सारा विश्व आज उसको नमन करता है। आज 200 से अधिक देश, आज भारत का प्रतीक गांव को पहचानने लगा है, भारत तो दूर की बात है, गांव को पहचानने लगे हैं, चाहे वो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी की प्रतिमूर्ति हो, ये चारों धाम का रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ या द्वारिका से लेकर जगन्नाथ आधुनिकरण होने लगा है और गंगा जल आज पेयजल से परिवर्तन होने लगा है और शिक्षा के अलावा नौकरी भी आज लोग जितनी जागरूक होने लगे हैं उससे ज्यादा स्वावलंबी होने के लिए कोशिश कर रहा है, डिजिटल दुनिया को लोग लेके चलने सीख पड़ा है, यातायात के लिए आधुनिक साधन की मदद से उन्हें अपना माल भी दूर दराज तक भेजने की और कम समय में मंडी तक पहुंचने की प्रयास नहीं कर रहा है, पहुंच चुके हैं। शहरी प्रभाव के कारण गांव में कुछ बदलाव जरूर दिखाई दे रहा है, परंतु गांव की संस्कृति, गांव की मूलभूत संस्कार संस्कृति सभ्यता में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। गांव आज भी भारतीय सभ्यता का और संस्कृति का
केवल आधार नहीं है, धरोहर बन चुका है। जब हमारा सर्वोच्च परीक्षा होता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय समिति की सिलेक्शन टेस्ट हो जो ग्रामीण टैलेंट को सिलेक्ट करता है, या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो डॉक्टर बनने का सपना होता है, या IITN होता है, या सर्वोपरि भारत सरकार जो स्वयं जिसको मान्यता देके वो परीक्षा को संचालन करता है, वो परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ओर से जिसी IAS IPS चुने जाते हैं। कभी जरा सोचो गांव का ही युवा युवती कि आज उम्र पढ़ने में आगे बढ़ के केवल अपना नाम दर्ज नहीं करा रहा है, परंतु वो जगह पहुंच चुका है। सारा देश गांव तरफ झुक के देखना पड़ता है कि गांव का गरीब घर का एक रिक्शा वाला का बेटा या एक रिक्शा वाला का बेटी या फिर नाई धोबी की बेटा बेटी टॉपर होने लगे। वाह वो गांव जिसे गांव में कितनी नाई धोबी, कितनी पंडित, कितनी साधु संत, कितनी भाईचारा, कितनी धर्म, सब एक है, सब एक है। जिसे 640,930 गांव को लेके हमारा भूखंड भारत जो विश्व दरबार में सातवां स्थान ग्रहण क्षेत्रफल के आधार पर गौरवान्वित सुशोभित स्वर्णिम अक्षर में दिखाई देता है, जिस देश को आज अमेरिका ब्रिटेन जैसे आधुनिकी देश केवल सलाम नहीं करता है, परंतु ये विकसित देश के लिए और ये विकास में जो देश दौड़ रहा है वो विकास की प्रगति की प्रति सलामी करता है किसको? करता है गांव को, करता है आपको, करता है 140 करोड़ आम जनता को, कोटि कोटि नमन करता है। ये शक्तिशाली राष्ट्र जब कोटि कोटि नमन करता है, आज ब्रिटेन की प्रधानमंत्री जी आज भारत को बताता है, ये अगर देश विकसित और पर चल पड़ा केवल भारत के लोग के लिए, भारत की ग्राम के लिए और गांव का उत्साह के लिए और एकता के लिए, भाईचारा के लिए। चलो बहुत हो गया, शहर से थोड़ा गांव चले, एक बार जा मेरे लिए ना सही, जिस जन्म माटी में आप जन्म हुआ, आप वो मंदिर के लिए, वो मस्जिद के लिए, वो चर्च के लिए, वो गुरुद्वार के लिए, वो काका के लिए, वो काकी के लिए चलो ना मिलके थोड़ा दर्शन कर ले, अपने परिवार को साथ ले चलते हैं। मुन्ना मुनी सर का हवा तो डेली खेलते हैं पार्क में, गांव का कोई पार्क नहीं होता है, खुली मैदान होता है, और जाएंगे गांव में तो बोलेंगे बहुत भूख लग रहा है, दे दो ना काका, आम का असुख गिरते रहेगा, केला का पता नहीं खिलाते रहेगा, कोई धोती कुर्ता, कोई सजावट नहीं रहेगा, शहर में केवल सजावट,
जमीन में बैठे के काका करती थी, साथ आंसू गिरते रहेगा, वो रहेगा खुशी का आंसू। वो आंसू के बीच में दो मुट्ठी व्यंजन कर लेंगे, लगेगा कि आज माँ का गोद से, माँ का गोद में बैठ के खाना खाने का सौभाग्य मिला। और तत्पश्चात थोड़ा गांव का माहौल में घूम ले और अंतिम समय पर जो गांव काका काकी से अलविदा लेंगे, जुदा होंगे, खुदा वापिस करेंगे, उस समय शाम का घंट की आवाज कोह कोयल की वापसी के आगमन, सूरज की अस्तगमी की चेहरा, शंखनाद का ध्वनि, ब्राह्मण की मंत्र उच्चारण और मस्जिद के अजान, गुरुद्वार की ध्वनि, चर्च की ध्वनि जब चलते रहेगा, उस पल हम तिरंगा पकड़ के गर्व के साथ बोलेंगे, हम गांव का छोरा थे, गांव का छोरा है, गांव का छोरा रहेंगे, शहर को गांव तक लाएंगे, प्रयास करते रहेंगे, एक जैसे शहर हमको दिखाई देगा, कोई सामंजस्य नहीं रहेगा, तब हम बोलेंगे मेरा देश महान, मेरा देश महान, मेरा गांव महान, हिंदुस्तान महान, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।